नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे पर चर्चा तो कई चैनलों पर हो रही है लेकिन एक तरफा हो रही है, इसलिए हम आपके सामने ये मुद्दा लेकर आए और इस मुद्दे पर आप सबको बोलना है। सबका मतलब हम पूरे भारतीय होकर बोले, ये हम चाहते हैं। देश में पहले से ही फूट डालो और राज करो ये नीति अंग्रेजों से लेकर कई प्रशासकों ने ना पाए और अब राजनीतिक दल इसको अपना रहे। कांग्रेस ने मुस्लिम राग उत्तर प्रदेश में यशस्वी ना होने के बाद उसको और कड़वा करने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करना शुरू कर दिया है और इस कमेटी की एक अहम सिफारिश जो थी कि मुस्लिम क्षेत्र में मुस्लिम अधिकारी को अपॉइंट किया जाए, इसके लिए भारत सरकार के गृह सचिव ने राज्यों को पत्र भेजा है और हर 6 महीने पर इसकी स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। कई दलों ने, यहां तक कि यूपीए के घटक दलों ने भी इसका विरोध किया है और इस मुद्दे पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के अन्य प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गया है। हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या ये फूट डालो राज करो की नीति है, कितना ये सही है, क्या ये पुलिस को या किसी अधिकारी को धर्म के आधार पर अलग करना ये सही है, ऐसे सारे मुद्दे आपको हमें बताने हैं। आज हमारे साथ इस पूरे चर्चा के लिए पूरे एक घंटा लाइव में जुड़े रहेंगे मोहम्मद अफजाल जी। अफजाल जी, आपका स्वागत है। अफजाल जी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक हैं। हमारे साथ जुड़े रहेंगे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता सुनील मल्होत्रा जी। सुनील जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत साथ आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूके तक सैटेलाइट के द्वारा और www.sudarshantv.com पर पूरी दुनिया में, साथ ही भारत के करीब करीब सारे डीटीएच पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आपकी प्रतिक्रिया लेने के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं और फेसबुक ट्विटर और आरकूट इस सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा भी अपनी बात को रख सकते हैं। आपके कॉल लेने के पहले हम नजर डालते एक बार मुद्दे पे। केंद्र सरकार की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति एक बार फिर से खुलकर सामने आई है। मजहब और धर्म निरपेक्षता की आड़ में सत्ता के शिखर पर राज करने वाली कांग्रेस सरकार एक बार फिर सरेआम अपनी हदें पार कर चुकी है। आज मुस्लिम इंस्पेक्टर, कल मुस्लिम थाना, फिर मुस्लिम पुलिस, फिर मुस्लिम न्याय संहिता, फिर मुस्लिम न्यायालय, फिर मुस्लिम न्यायाधीश, फिर मुस्लिम फौज, फिर मुस्लिम राज्य, फिर अंत में देश का बंटवारा। शायद इसी ओर आज देश में केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है और धर्म निरपेक्षता का दंभ भरने वाले सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और कांग्रेसी नेताओं की सोच देश को किस ओर ढकेल रही है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ये कांग्रेस सरकार की मुस्लिम तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति नहीं है? केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को मुस्लिम बहुल इलाकों में कम से कम एक मुस्लिम इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर तैयार करने की सच्चर कमेटी की प्रमुख सिफारिश को लागू करने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव आर के सिंह ने इस सिलसिले में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है, उन्हें जून के आखिर तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। तो सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि जब कानून व्यवस्था और अधिकारियों की तैनाती का विषय राज्य सरकार का है तो फिर यहाँ पर केंद्र सरकार अड़ंगा क्यों डाल रही है? मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम इंस्पेक्टर की तैनाती से क्या आतंकवादियों को अपने मोहल्ले में पहले से और बेहतर छुप जाने का मौका नहीं मिलेगा? क्या हिंदुओं पर योजनाबद्ध तरीके से हमला नहीं बढ़ेगा? क्या कांग्रेस सरकार को हिंदुओं की कोई चिंता नहीं है? पानी के लिए हिंदुओं को पाकिस्तान में पुलिस अधिकारी अक्सर पीटते हैं, लेकिन अब लगता है सरकार के इस पाकिस्तानी हुक्म से अपने ही देश में हिंदुओं को पीटा जाएगा। तो ऐसे में ये प्रश्न जरूर झकझोरने वाला है कि क्या केंद्र सरकार हिंदुस्तान में कई छोटे छोटे पाकिस्तान बनाने की योजना तो नहीं चला रही? सरकार के इस तालिबानी हुक्म से तो यही लगता है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा कुछ ऐसे ही आदेश जारी किए गए थे, तो ऐसे में इस आदेश से यही साबित होता है कि सरकार एक बार फिर से स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश शासन लागू कर रही है। अगर पुलिस हिंदुओं पर हमला होने पर मुसलमानों से मिलकर मामले को रफा दफा कर लेगी तो क्या ऐसे में देश के अंदर हिंदुओं को न्याय मिल पाएगा? इसलिए ही यहाँ ये सवाल खड़ा हो रहा है। विभाजन के दंगों के दौरान भी इसी तरह की बात प्रस्तावित की गई थी। संविधान में कहा गया है कि धर्म के नाम पर पक्षपात ना किया जाए, लेकिन मुस्लिम के नाम पर मुस्लिमों को विशेष सुविधाएं दी जा रही है, क्या ये सांप्रदायिकता नहीं है? आज वोट के लिए संविधान विरोधी सांप्रदायिकता का घोर खेल खेला जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठना जायज है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में केवल मुस्लिम अधिकारियों की तैनाती कितनी सही है? यही है आज
बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। आपके द्वारा भेजे गए प्रतिक्रिया और मुद्दों के आधार पर हमने ये पैकेज में आपकी प्रतिक्रिया भी डाली हुई है। हम एक कॉलर के पास चलते हैं, पहले कॉलर आज के, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो, नमस्कार, बोलिए। शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो पाया। हम चलते हैं मोहम्मद अफजाल जी के पास। मोहम्मद अफजाल जी, इस विषय पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज मुझे इस बात को सोचते हुए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि जब हम आज़ादी की जंग लड़ रहे थे और आज़ादी की जंग लड़ रहे थे तो किन मुद्दों पर लड़ रहे थे, और आज आज़ादी के 63 साल गुजर जाने के बाद भी आज हम उसी मुद्दों के ऊपर आज भी हम वहीं खड़े हुए हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता, मुझे बड़ा अफसोस है। अगर ये गवर्नमेंट सेकुलरिज्म का क्या मायने है? अगर सेकुलरिज्म का मायने यही है कि मुसलमान को मुसलमान और हिंदू को हिंदू बना के रखे, तो फिर उस समाज का क्या होगा, उस भारतीयता का क्या होगा, उस भारतीय नागरिकता का क्या होगा? आज मैं इस बात को, जो सेकुलरिज्म का मायने होता था हिंदुस्तानी भारतीयता, आज अगर मुझे अफसोस है, मैं ये कहना चाहता हूं उनसे कि अगर वो ये कहते कि हम ये सेकुलरिज्म का एक नया अंदाज पेश करना चाहते हैं कि हिंदू क्षेत्र में मुस्लिम नेतृत्व, मुस्लिम जो है इंस्पेक्टर हो और मुस्लिम क्षेत्र में हिंदू इंस्पेक्टर हो और वो मिलकर इस देश का विकास करे और वो उन दोनों के साथ न्याय करे, अगर ऐसा होता तो मैं समझता कि ये सरकार वाकई में सेकुलरिज्म पर काम कर रहे हैं। ये सेकुलरिज्म कौन से किस्म का सेकुलरिज्म है और किस के ऊपर ये? लेकिन अफजल जी, इसमें तो ये भी कहने की जरूरत नहीं जो आप कह रहे, बल्कि समाज में जो नैसर्गिक तरीके से हो रहा है वो ज्यादा अच्छा है। यकीनन ये भी बिल्कुल। आज जो समाज जी रहा है, देखिए कल तक हम आप ये जानते थे कि कल तक जब समाज जो है, जब दंगे हुआ करते थे देश के अंदर, तो समाज जो है अपने अपने क्षेत्र में बंटता था, अपने अपने क्षेत्र में जाकर जो है मुस्लिम लोग जो है ना मुस्लिम क्षेत्र में रहना चाहते थे, हिंदू हिंदू क्षेत्र में जाकर रहना चाहते थे। लेकिन आज समाज खुद खड़े होकर, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं नजर आता नए बसने वाले क्षेत्रों में, वहां मस्जिद भी है, वहां मंदिर भी है, वहां स्कूल भी है, वहां पे धर्मशाला भी है, वहां पे सराय भी है। आज के नए युग के अंदर नए समाज की जो रचना हो रही है वो मिली जुली जो भारतीय समाज की जो रचना होनी चाहिए थी वो समाज खुद कर रहा है, गवर्नमेंट नहीं कर रही। बिल्कुल। हमें कॉलर के पास चलते हैं। बिंदास बोल में हम कॉलरों को अपनी बात को रखने का मौका देते हैं क्योंकि जनता का व्यासपीठ है, जनता का मंच है, दर्शक अपनी बात को रखे ये हम चाहते हैं, इसलिए कॉलर के पास भी चलते हैं। जी ओके, नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, हाँ बोलिए। जी मैं सऊदी से बोल रहा हूँ, सुनील लखन। हाँ, मैं तो यह सोचकर परेशान हूँ कि मुसलमान के क्षेत्रों में मुस्लिम अधिकारी तैनात करके सरकार क्या साबित करना चाहती है कि हम एक नहीं है। मेरे हिसाब से तो यह सरकार का मकसद सीधा जाहिर है कि सरकार किसी धर्मों के बीच में जो दरार है उसको बढ़ा दे ताकि आपस में लोगों का विरोध हो और आसानी से उसका फायदा उठाया जा सके। सरकार ने ये कभी नहीं सोचा कि किसी व्यक्ति ने कहा है सर्व धर्म संपन्न, उसके बारे में सरकार ने कभी विचार नहीं किया। बिल्कुल, धन्यवाद। हम चलते हैं सुनील जी के पास। सुनील जी, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया? मेरी तो पहली प्रतिक्रिया यही है कि जैसा कि अभी इस कॉलर ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि सरकार की नीयत जो है देश के अंदर एकता और भाईचारा, जो आपसीपन स्वतः ही बना हुआ है, जैसा अफजाल भाई ने भी स्वीकार किया कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता तो स्वतः ही बनी हुई है, परंतु इस सरकार कांग्रेस नीतियों से तो यह उजागर हो रहा है कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे जो आज से 30 वर्ष पहले एक आम बात थी, वो जो इन 30 वर्षों में इस देश का नौजवान, इस देश की पीढ़ी पढ़ाई लिखाई और काम धंधों में आगे बढ़ गई और ये देश विकास की ओर अपने आप बढ़ने लगा, जिसमें सरकार की हमें तो कहीं भूमिका नजर नहीं आती। उल्टा इस बात से सिद्ध होता है कि सरकार चाहती है कि देश विकास न करे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर उन्हें इस देश के अंदर जगह जगह पर दंगे हो, ऐसा इस कांग्रेस की सरकार की मानसिकता से मुझे तो ऐसा झलकता। बिल्कुल, मतलब ये फूट डालो राज करो, ये जो बात सामने आ रही है, इस विषय पर आप भी सहमत है? बिल्कुल, बराबर। बिल्कुल,
इसके साथ ही हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और एक प्रतिक्रिया बता रही है कि जिन क्षेत्रों में मिली जुली आबादी होगी वहां पर मुस्लिम अधिकारी के बारे में हिंदू क्या कहेंगे और हिंदू क्षेत्र में मुस्लिम अधिकारी के बारे में क्या कहेंगे, ये भी चिंता का विषय रहेगा। अधिकारियों को बांटने की इस मुहिम के खिलाफ जम्मू से उमेश ये मैसेज भेज रहे हैं, एक कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी। सर ये तो नियम ऐसा है कि इससे हिंदुस्तान के अंदर कई सारे पाकिस्तान बन जाएंगे, क्योंकि जब मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम अधिकारी आएंगे तो उनकी शहर पे मुसलमान लोग अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों का उत्पीड़न करेंगे और मजबूरी में वो लोग वहां से पलायन कर जाएंगे और वो इलाके छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान बन जाएंगे, जिससे जिसमें की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां खुलेआम चालू रहेंगी। और इससे तो आज ये बात हो रही है, कल को ये लोग ये भी कह सकते हैं कि जब मुसलमान लोगों का केस जो है सिर्फ मुस्लिम जज ही सुनेगा, तो इस चीज का तो कोई अंत ही नहीं है। और ऐसा कानून बनाने वाले ये जो संकरित प्रजाति, जैसे कुत्ते बिल्ली में संकरित प्रजाति कही जाती है, मैं कहूंगा ऐसी संकरित प्रजाति क्रॉस ब्रीड वाले जो नेता हैं, उन लोगों को क्या ये नहीं दिखता है कि हिंदुस्तान, हिंदू बहुल हिंदुस्तान में मुसलमान राष्ट्रपति हो सकता है, मुसलमान मुख्य चुनाव आयुक्त हो सकता है, हिंदू बहुल उत्तर प्रदेश बिहार आदि में मुसलमान मुख्यमंत्री हो सकता है, किंतु क्या इनको ये नहीं दिखाई देता है कि मुस्लिम बहुल जम्मू कश्मीर में कभी हिंदू मुख्यमंत्री भी होना चाहिए? और ये लोग ये नियम बनाना चाहते हैं तो इनको ये भी देखना चाहिए कि हिंदू बहुल इलाकों में सिर्फ हिंदू अधिकारी होंगे, अगर मुस्लिम बहुल इलाकों। ये बड़ा अच्छा सवाल यहाँ पर उठाया है, धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम अफजाल जी के पास चलते हैं। अफजाल जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि कुछ मांगे बगैर या कुछ नीति ना होते हुए भी हिंदू बहुल देश होने के बावजूद राष्ट्रपति हिंदू हो सकता है, कई राज्यों का मुख्यमंत्री हो सकता है, देश के चुनाव आयोग का प्रमुख हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है, तो फिर ऐसी जरूरत क्या है? देखिए जी, सेकुलरिज्म का जो तकाजा है, सेकुलरिज्म का तकाजा ये है कि हर पोस्ट यानी प्रधानमंत्री तक पोस्ट अगर हमारे देश का कोई नेता, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो प्रधानमंत्री की सीट पोस्ट पे भी बैठ सकता है। हमारे मनमोहन सिंह जी जो आज प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे हुए हैं, ये इस देश की खूबसूरती है, इस देश की सेकुलरिज्म का, ये सबसे पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का सेकुलरिज्म नहीं मिल सकता। लेकिन जो ये गवर्नमेंट जो बैठी हुई है, इसको इस बात का ये एहसास होने लगा कि जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में टकराएंगे नहीं, तब तक के हमारी वोट बैंक की राजनीति नहीं होगी। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, ये हिंदू और मुसलमानों के अंदर जो कड़वाहट खत्म हो चुकी, जो इतिहास बनने जा रही है, उसको फिर से, उस कड़वाहट को फिर से जिंदा करने का ये एक नया तरीका, एक नया ईजाद किया इन्होंने। बिल्कुल, हम एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय सुनते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो सुरेश जी, नमस्कार। मैं सुरेश कुमार चौधरी अरब से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। मुझे ये लगता है कि इन हमारी सरकार और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है, वो भी फूट डालो और राज करो की नीति करते थे राजनीति, ये भी वैसे ही फूट डालो और राज करो की नीति कर रहे हैं, क्योंकि अपना कुर्सी बचाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। धन्यवाद। विदेश में बैठ रहे भारतीय भी अपनी चिंता से अवगत करा रहे हैं और सऊदी अरब में खास करके वहां बैठने वाले भारतीय भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया क्या दे रहे, आप देख रहे हैं। साथ ही हमको ऑस्ट्रेलिया से भी एक प्रतिक्रिया आई है और ऑस्ट्रेलिया से आई प्रतिक्रिया में भी इसी मुद्दे के उठाया गया है कि ये तो वही इतिहास दोहराया जा रहा है जब गुलामी में हम थे। ये प्रदीप पाठक ऑस्ट्रेलिया से अपनी प्रतिक्रिया को फेसबुक के द्वारा भेज रहे। हम कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है इसके पीछे, देखिए। सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, ये सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति ही है कि कभी अल्पसंख्यक हिंसा कानून तो कभी मुस्लिम क्षेत्रों में मुस्लिम इंस्पेक्टरों की तैनाती की बात सामने आती है। वोट बैंक की राजनीति, मुस्लिम वोट बैंक के प्रेम में अंधे होकर सरकार इस तरह के प्रस्ताव लागू करती है जो किसी भी तरह से जायज नहीं है। सरकार का धर्म निरपेक्षता का ढोंग, अपने को सेकुलर दिखाने का ढोंग करने वाली सरकार एक तरफ सेकुलर सेकुलर का राग अलापती है और दूसरी ओर अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ ओछी राजनीति करती है। देश में फूट डालने की साजिश, जैसे अंग्रेजों ने भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया, अब भी वैसी ही साजिश अपने ही देश की सरकार कर रही है। इस तरह के भेदभाव भरे फैसलों से तो ऐसा ही लगता है। राज्य सरकार के कामों में दखल, राज्य सरकारों को मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम इंस्पेक्टरों की तैनाती का प्रस्ताव भेजकर केंद्र सरकार राज्य के कार्यों में दखल दे रही है। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना,
मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मुस्लिम इंस्पेक्टर की तैनाती से सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचेगी और हिंदू मुस्लिम सौहार्द में कमी आएगी। ये कारण है और इन कारणों में आप इजाफा कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम सुनील जी के पास चलते हैं। सुनील जी, आपके हिसाब से प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि हम बिंदास में स्थिति, कारण, परिणाम, उपाय ऐसे जाते हैं और इस पहले ब्रेक में हम कारण पर नजर डालते हैं। आपके हिसाब से सबसे बड़ा कारण? सबसे बड़ा कारण जो नजर आता है, जो देश के लिए बहुत चिंता का विषय है, ये मुस्लिम तुष्टिकरण का विषय सब कह देते हैं, परंतु इसके पीछे जो गहराई है, अभी मैंने कई कॉलर्स की प्रतिक्रिया में भी सुना कि भारत को पाकिस्तान के रूप में देख रहे हैं लोग, कि भारत में कई पाकिस्तान बनेंगे। परंतु मैं यहां ये बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में आज जो दुर्दशा है, हम उस पर भी ध्यान डालें, उस पर भी नजर डालें। आज पाकिस्तान किस प्रकार से बर्बादी के कगार पर खड़ा है, ये पाकिस्तानी नौजवानों से, वहां के युवक युवतियों से जब हम पूछते हैं, बात करते हैं, तो वो नौजवान बहुत उत्साह होकर के ये अपनी चिंता का विषय रखते हैं और उनके मन में जो लालसा हमें देखने में आई नौजवानों के, पाकिस्तानी नौजवान ये चाहता है कि जिस प्रकार भारत के अंदर एक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जिस प्रकार भारत के अंदर अपना भाईचारा बना हुआ है, इस प्रकार का भाईचारा हम भी अपने आप इसको पैदा करेंगे। परंतु बिल्कुल, हम एक कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं उनकी बात क्या है। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर वंदे मातरम, नमस्कार, बोलिए। ये तो भारत को सरासर तोड़ने वाला निर्णय रहेगा। ऐसी जो वोट बैंक की राजनीति को सामने रख के ये जो यूपीए 2 जो कदम उठा रही है, ये देश के लिए आने वाले पीढ़ियों तक घातक रहेगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर हिंदू बाहुल्य एक इलाका है, सर पारकर में, नगर पारकर करके सर, वहां भी ऐसी नीतियां कारगर नहीं हुई है। और ये इसका अर्थ ये हुआ, क्या मुस्लिम अधिकारी चाहिए, क्या हिंदू लोग, क्या मुस्लिमों के खिलाफ है, क्या संविधान का तो सब अन्य आदर करना चाहिए। ये अलग अलग है, ये 2-3 महीनों में विवादास्पद क्यों ऐसा निर्णय लेके आते, कुछ समझ में नहीं आता मुझे तो। बिल्कुल, धन्यवाद। और एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हाँ सर, तो कांग्रेस सरकार तो ऐसा वेतन चाहती है, देश को टुकड़ों बेच के ये जाना चाहती है, क्या लगता है सोनिया गांधी के? आपको क्या लगता है? सर मेरे को यही लगता है कि जाति चाहिए बचाने वाली है, और ऐसा करते है तो हिंदू मुस्लिम बंटवारा करना चाहती है, सब एक नया पाकिस्तान बनाए, क्या छोड़ा। बिल्कुल, धन्यवाद।